चुनाव 2022 की सरगर्मी हर जगह देखने को मिल रही है। चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी गांव-गांव जाकर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। ऐसे में न्यूज बीके की टीम भी गांव-गांव जाकर जनता के बीच रूबरू हो रही है और जनता से सवाल कर रही है, आखिर किसको चाहती है जनता अपना विधायक। हमारे साथ मौजूद है यशपाल सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। चलिए इनसे कुछ सवाल करते हैं। नमस्कार सर, आखिर किन मुद्दों को लेकर आप जनता से रूबरू हो रहे हैं? हम लोग जनता के ही मुद्दों को लेकर उनके बीच में जा रहे हैं और हमारी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी वही मुद्दे डाले हैं। सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा, किसानों के लिए खाद, किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था, इन सभी मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। सर, जब से आपका टिकट फाइनल हुआ है तब से आप कितने गाँव घूम चुके हैं? हम लोग 50 से ज़्यादा गांव घूम चुके हैं अभी पिछले 7 दिन में। इस टाइम पीरियड पे आपको जनता किस किस मुद्दों पे आपसे बात कर रही है या क्या जनता की शिकायत है जो आपसे पूछ रही है? जी बिल्कुल, हर क्षेत्र की अलग समस्याएं हैं। बिजली, पानी, सड़क तो सभी जगह की समस्या है, लेकिन जिस ग्राम में हम हैं यहाँ पे पेयजल की समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे पीने का पानी बड़ी मुश्किल से उपलब्ध होता है और ख़ास करके गर्मियों में बरुआ सागर नगर और उसके आसपास के जितने भी गांव हैं उन सभी में पेयजल समस्या है और इस समस्या पे किसी ने काम नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों को बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है। इन लोगों को कुएं से पानी खरीद खरीद के लोग पी रहे हैं, घर में उपयोग कर रहे हैं। तो इस समस्या का समाधान हम लोग पूर्णतः कराएंगे जब हम लोग सत्ता में आएंगे। सिर्फ पानी के अलावा ऐसी और कौन सी समस्या है जिससे जनता आपसे उम्मीद लगा रही है? जनता की उम्मीद अखिलेश यादव जी से, समाजवादी पार्टी से, इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी है। ये जितने भी नौजवान खड़े हैं किसी के पास ना कोई रोज़गार है, ना कोई मौका है, ना काम करने का, ना छोटा मोटा व्यापार करने का। तो हम लोगों का प्रयास है कि लोगों को रोज़गार से, लघु उद्योगों से जोड़ें और हमारी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी ये बातें रखी हैं कि 32 लाख रोज़गार, 10 लाख रोज़गार अन्य सेक्टरों में और 22 लाख रोज़गार हम IT सेक्टर में उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस क्षेत्र के लोगों को भी उस रोज़गार से जोड़ने में मेरी प्राथमिकता होगी। हमने कई मुद्दों पर बात की लोगों से। किसानों को जो सबसे बड़ी समस्या है वो बिजली के बिल की है। सिंचाई के लिए उन्हें बिजली उपलब्ध कराना है, सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना है और किसानों को खाद और बीज की समस्या है। जो इस बार आपने देखा होगा इस सरकार में कितने किसान उन्होंने अपना दम तोड़ दिया खाद की लाइन में खड़े खड़े। तो मैं सभी किसानों से यही वादा कर रहा हूँ, जब हमारी सरकार आएगी किसी को लाइन में खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। यूरिया और DAP पर्याप्त मात्रा में यहाँ समितियों पर मिलेगी और लोगों को उसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।